कैसे ब्रजवासियों मैया यशोदा नंद बाबा मारोहिणी आदि आदि से मिला है। बचपन की वह वैजंती माला, लघुटी, कामरिया, पीताम्बर और भी नाना भांति के कुछ अलंकार और इन सब के साथ ब्रजवासियों का अमेंस में कितना कहें कोई पारावार ही नहीं। धन्य हो देवर्षी, आपने हमें जो बाल लीला और बाल चिन्हों का ज्ञान कराया है उससे हम कृतार्थ हुए। पर देवर्षी, जब कन्हैया ने वत्स चारण लीला की तब उनके पास मुरली थी, वो मुरली उनको किसने प्रदान की? हाँ हाँ, उसके पीछे क्या कथा है वो भी हमें बताइए ना। और हाँ, वो मोरपंख जो वो हमेशा धारण करके रखते, क्या उसके पीछे भी कोई कथा है? उनकी हर लीला के पीछे कोई ना कोई कथा अवश्य है। वे परम तत्व है, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं पर आधारित है। अपने एक ही अवतार में कितनी ही लीलाओं को संपूर्ण करते हैं। जब माँ सरस्वती को श्राप लगा कि उन्हें जड़वत रहकर पृथ्वी पर कुछ समय गुजारना होगा, तब उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। तब प्रभु ने उनको कहा कि कृष्ण अवतार में तुम बांस के रूप में जन्म लेना और मैं तुम्हें बांस की बांसुरी के रूप में धारण करूंगा। और इसी लीला को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मुरली धारण की। पर वह मुरली उन्हें कैसे मिली, इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है। तो पहले आप हमें मुरली की कथा सुना रहे हैं और फिर मोरपंख की, पर इन दोनों को तो वो एक साथ धारण करते हैं। मुरली की कथा और मोरपंख की दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर तुम्हें इनकी कथा को जानना है तो तुम्हें मेरे साथ कैलाश चलना होगा, क्योंकि ये कथा रूपी गंगा कैलाश पर्वत से ही होकर निकलती है। तो आओ मेरे साथ कैलाश की ओर। नारायण नारायण। प्रभु, आप अभी अभी अनंत काल की समाधि से जाने हैं, अब पुनः आप किसके ध्यान में मग्न हैं? और मैंने देखा कि ध्यान अवस्था में आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि आप ध्यान में कुछ देख रहे हो और आनंद ले रहे हो। हमारा भी उस आनंद से परिचय करवाएं। देवी, अभी पृथ्वी पर कृष्णावतार का समय चल रहा है। प्रभु ने बहुत ही सुंदर बाल रूप धारण किया है और वे ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। बस उन्हीं का आनंद ले रहा था। उधर माँ यशोदा अपने वात्सल्य के आनंद में विभोर हो रही हैं और इधर उनके दर्शन करके हम आनंदित हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, सारी सृष्टि में हलचल मची हुई है। सारे देवता वेश बदल बदल कर अलग अलग रूपों में श्री कृष्ण अवतार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ प्रभु, कोई दृश्य रूप में तो कोई अदृश्य रूप में उनके दर्शन करने का लाभ उठा रहे हैं और सब उनके लिए कोई ना कोई भेंट भी लेकर जा रहे हैं। हम तो सुबह से शाम तक बस बाहर खड़े खड़े उन्हीं को देख रहे हैं और सारे विमान हमारे सामने से ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखा दिखा कर। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आंखें बंद करके सारी लीलाओं के दर्शन कर लेते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर पाते, हमारे भी उनके दर्शन करने की बहुत इच्छा है। हाँ प्रभु, आपने ही तो कहा था कि उनके दर्शन के लिए चलेंगे, अब आप हम पर कब कृपा करेंगे? हमारी भी उनके दर्शन की प्रबल इच्छा है और हम शीघ्र अतिशीघ्र उनसे मिलने के लिए भी जाएंगे। तो प्रभु, हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी अपने साथ ले लीजिए। हाँ प्रभु, हमें भी अपने साथ ले लीजिए। पर आप उन्हें भेंट स्वरूप क्या देंगे? वे अभी कृष्ण अवतार की लीला में है, इसलिए अपनी योग माया को विस्तार देने के लिए उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता को मैं पूरा करूंगा। मैं उन्हें मुरली प्रदान करूंगा जिसे बजाकर वे सृष्टि के कण कण को जीवंत कर देंगे और साथ ही उन्हें बांसुरी द्वारा ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती को भी शाप मुक्त करना है। पर प्रभु, आपको तो इस भेष में पहचान लेंगे, आपको भेष बदलना पड़ेगा। हाँ, हम जोगी के भेष में वहां जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। देवी, आखिर शक्ति के बिना शिवलीला कैसे पूर्ण हो सकती है? प्रभु, आप जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ आपके साथ सदैव उपस्थित होंगे,
पर इस लीला को पूर्ण करने के लिए मुझे दूसरे पक्ष से आपकी मदद करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा देवी। चलिए